क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या फिर से मोदी सरकार कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है? दोस्तों, सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सियासी खिचड़ी इतनी तेजी से पक रही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्त गैंग में सीमा के उस पार और सीमा के इस पार भारी हड़कंप है। अटकलें ये हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर वैसा ही कोई बड़ा फैसला होने वाला है जैसा अगस्त 2019 में हुआ था। दोस्तों, कुल मिलाकर दो तरह की अटकलें सबसे तेज हैं। पहली तो ये कि जम्मू को कश्मीर से अलग करके एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, और दूसरी ये कि कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि पहले मोदी सरकार पर जहर उगलने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती घुटने टेक चुके हैं, और उनका गुपकार गठबंधन केंद्र की हर बात को मानने के लिए नतमस्तक दिख रहा है। इसकी आपस की बैठक के बाद ये दिल्ली का रुख कर रहे हैं। हालांकि इनके चेहरे पर पहली वाली आक्रामकता बिल्कुल गायब है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था, और इसी के साथ ही इस राज्य से दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। हालांकि दोस्तों, मोदी सरकार खुद कह चुकी है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन अचानक से अटकलें परवान पर हैं। ये अटकलें तब तेजी से परवान चढ़ी जब घाटी के बीजेपी नेताओं को तेजी से निशाना बनाया जाने लगा। आतंकवादियों ने अब तक 9 से ज्यादा बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी है, और एक एक करके उनकी हत्याएं हो रही हैं। इन्हीं मामलों के बाद एक तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अचानक लंबी चौड़ी मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी ओर अर्धसैनिक बलों की तैनाती एकदम से बढ़ा दी गई है। मोदी सरकार ने हफ्ते भर के अंदर ही अर्धसैनिक बलों की 70 से ज्यादा कंपनियां जम्मू कश्मीर भेज दी हैं, जिसके बाद हर ओर चर्चा होने लगी है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा ही होने वाला है। हालांकि इस बीच कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री के जो जवान तैनात हैं वो पिछले 5 राज्यों के चुनावों की प्रक्रिया में थे और वो वापस लौट रहे। लेकिन अटकलों का बाजार उस वक्त गर्म हो गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी के निदेशक, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और कई बड़े अधिकारियों की लंबी चौड़ी बैठक हुई, और बताया जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के अलावा परिसीमन पर भी तगड़ी चर्चा हुई है। लेकिन इसी के बाद घाटी की फिजाओं में अफवाहें भी तैरने लगी, और इस बीच मौके की ताक में रहे भारत विरोधी गैंग के लोग भी भारत के खिलाफ ही सक्रिय हो चुके हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया, दुबई, टर्की जैसे देशों में बैठे लोग कश्मीर पर खार खाए हुए हैं, और भारत विरोधियों ने अपना जहरीला अभियान भी शुरू कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन ने अपनी गतिविधियां बहुत तेज कर दी हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के घर पर कई नेता इकट्ठे हुए। गुपकार के नेताओं ने मीटिंग के एजेंडे के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन साफ किया कि सियासत के गलियारों में अफवाहों का संक्रमण बहुत तेजी से फैला हुआ है, और ये नेता भी इन्हीं अटकलों के बीच जमा हुए हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक जमीन पहले से ही हिली हुई है। हालांकि मोदी सरकार घाटी में बीजेपी नेताओं की लगातार हुई हत्याओं के बाद बेहद आक्रामक मोड में है। दोस्तों, केंद्र से कश्मीर आधारित पार्टियों के नेताओं की ट्रैक 2 पर बातचीत चल रही है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था। वो कह रहे थे कि पार्टी परिसीमन के खिलाफ नहीं है और वो केंद्र से बातचीत के सारे विकल्प खोले हुए है। जब ये बयान आया तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बयान के अगले ही दिन उनके बेटे उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए, जिसे सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। इसे परिसीमन और विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियों में है, लिहाजा परिसीमन आयोग ने भी गतिविधियां तेज कर रखी हैं। कोरोना महामारी की वजह से पिछले काफी समय से परिसीमन का काम गति नहीं पकड़ पाया था, और अब कहा जा रहा है कि परिसीमन को अगस्त या सितंबर तक पूरा करने की कोशिश है। इसके बाद विधानसभा चुनाव इस साल के अंत या फिर अगले साल मार्च तक कराए जा सकते हैं। मौजूदा मोदी सरकार और दूसरे दलों का भी मानना है कि जनता केंद्रित सरकार वहां पे होनी चाहिए, जिससे मौजूदा सरकार और लोगों के बीच की दूरियां कम हो सकेंगी।